अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये जो लुक आप देख रहे हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूं मोटर बाइक रात जिसकी मैंने वीडियो डाली, धोबी पठा वीडियो। तो ये आप देखें, ये है व्यूअर्स DYL, इसको कहते थे, ये आप पढ़ रहे हैं कि YD125 स्पोर्ट्स Euro 2। और DYL व्यूअर्स, ये जो यामाहा से पहले जो मतलब इसको यामाहा बना के बेचते थे, लेकिन जाहिर है यामाहा तो नहीं था। क्या था इसमें कि इंजन इन्होंने पूरा CG125 वाला कॉपी करके डाला हुआ है चाइना। बाकी ओवरऑल एक लुक दिखाता हूँ आपको और आइडियाज़ लेता हूँ कि क्या क्या इससे चेंजेस की जा सकती हैं। मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करना चाह रहा हूँ। एक फ्रंट की लुक दिखाता हूँ, लाइट ऐसे, लेकिन लाइट काफ़ी ख़राब हो गई, आप देख रहे हैं हिल भी रही है। ये मेरी कोशिश है कि इसको किया जाए अच्छे। शॉक्स इसके आप देखें कि काफ़ी स्लिम से हैं वैसे, और CG125 वाले नहीं हैं, डिफरेंट हैं। क्योंकि आप देखें इस पे फ्रंट पे डिस्क दी हुई है, डबल पिस्टन डिस्क है, और ये डिस्क का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डबल पिस्टन है तो ठीक अफेक्टिव है। एक्चुअली बिल्कुल बाइट कर देती थी, जिसकी वजह से डेंजरस हो जाती थी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पिस्टन इसका ये CG125 डिलक्स का लगाया, तब से बेहतर हो गई। ये इस साइड से भी एक लुक दिखा देता हूँ। और किक स्टार्ट है। अब थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ कि क्या क्या है इसमें। इसमें यहाँ पे आप ये देखें तो ये हैज़र्ड दिया हुआ है, ये हैज़र्ड लाइट। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाए तो पार्किंग, और ये हेडलाइट। अच्छा, ये तो खैर मैंने ख़ुद एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए लगाया, ये फ़ोन चार्जर के लिए लगाया। और बाकी इधर आ जाए तो ये लो और हाई इंडिकेटर्स नॉर्मल वाले, प्रेस वाला कोई नहीं। हॉर्न आ गया, बाकी ये सिंपल है। अच्छा जी, इधर इग्निशन और एक अगला स्विच, अगला स्टेप पार्किंग के लिए। और जब मीटर अभी बिल्कुल टूटा हुआ, मैंने शीशा भी नहीं बदलवाया, और कुछ साफ़ करवा के मैं देखूंगा अगर इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है, और टैकोमीटर है। हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, बाकी इस साइड से मैं एक इंजन की आपको लुक दिखा देता हूँ। कार्बोरेटर बिल्कुल वही CG125 वाला, सारा फ्रेम वैसे ही। एग्जॉस्ट इसमें व्यूअर्स दूसरा लगा हुआ था इसका अपना, लेकिन उसका फ्लो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने फिर ये CG125 का काफ़ी पहले ये लगवा लिया था, और जेनुइन लगवाया था। अच्छा, फुटरेस्ट इसकी काफ़ी बेहतर है। और अगर शॉक्स पे आ जाए, मैं शॉक्स आपको रियर शॉक्स दिखाता हूँ कि रियर शॉक्स इसके जो अपने थे उससे थोड़ा सा इसमें बाइक में झोल आता था मोड़ पे जब जाते थे ना, तो बाइक पीछे से यूँ होती थी। तो मैंने जब से CG125 के शॉक्स डाले, जेनुइन डाले, तब से बाइक बिल्कुल स्टेबल हो गई। यानी जैसे भी टर्न लें वो पीछे से निकलेगी नहीं, बाइक यूँ लहराएगी नहीं, जैसे आजकल कुछ बाइक्स हैं 125cc में दूसरी कंपनीज की, वो लहराती हैं। वो राइडर्स बेचारे यही कहते हैं कि जी हमारी ग्रिप नहीं बनती, मोड़ पर हमारी बाइक यूँ होती है। तो CG125 की तरह इसकी भी ग्रिप जो है वो ज़बरदस्त हो गई है इसकी वजह से। बाकी जो इसके रियर पे और फ्रंट पे 17 रिम है व्यूअर्स। जैसे आप अगर देखें CG125 के फ्रंट में 18 दिया है, इसमें 17 ही है। और मैंने आप देख सकते हैं कि 317 का टायर आगे डाला, ट्रेड आप देख सकते हैं जो CG125 के पीछे डालते हैं। और पीछे भी मैंने इसके आप देख सकते हैं कि 317 का जनरल कंपनी का टायर डाला है, जनरल का। ये ट्रेड ये देख लें, इंडिकेटर्स LED के ओरिजिनल ही हैं। अच्छा, ये कैरियर नहीं था, इनफैक्ट ये ग्रैब हैंडल सा था। ये मैंने वो एक टाइम में बस वो वेल्ड करवाया था, जो कि आई नो के लुक में अच्छा नहीं लग रहा, और मेरा इरादा है इसको रिमूव करने का। अब जो सबसे पहले जो मुझे मसला कि इसका मड गार्ड टूट गया था, अब वो ऑब्वियसली मुझे नहीं मिलेगा।
और मेरा नहीं ख्याल कि इसको सीजी का शायद लगे या ना लगे, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस कम है सीजी के नस्बत ये वाला। तो कोई आपके माइंड में आइडिया हो मुझे बताएं जो इसकी लुक को मैच करे व्यूअर्स। अच्छा, दूसरी चीज़ 5-speed, सारे फ्रंट पे 5-speed गियरबॉक्स है, सेल्फ कोई नहीं है, इंजन पूरा है होंडा वाला, कार्बोरेटर वही, और 5-speed की वजह से मतलब एक चीज़ और ख़ास कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है व्यूअर्स, 5-speed वाला है ये, यूरो टू लगा हुआ है और बाकी बिल्कुल पिक वगैरह अच्छी है, सीजी जितनी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है व्यूअर्स। ये क्लुक फिर से आप देख लें और बिल्कुल कोई आइडिया हो आपके माइंड में कि क्या लुक की जा सकती है तो मुझे ज़रूर बताएं व्यूअर्स कमेंट्स में। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।